हाय नमस्कार। सो आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पे आपका स्वागत है विवेक गुप्ता, और बहुत प्यार दिया आपने, खासकर 2024 के एडमिशन सीजन में कि हमें अपनी पेड काउंसलिंग सर्विसेज नए क्लाइंट्स के लिए बंद करनी पड़ गई, आज नहीं आज से 8 दिन पहले, और अभी भी आप लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं और हम हाथ जोड़ के इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जिनसे देखिए जिनको पैकेज दें उनका काम भी करना। और मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि हमारे केस में ऐसा नहीं है ना कि बात आपने मुझसे करी, वीडियोस आपने मेरे देखे और फिर काम स्टाफ कर रहा है जो कि गलती भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो यू आर ऑलवेज इन टच विद मी। अब 100 भी देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 के साथ भी मैं इसलिए बात कर पाता हूँ, व्हाट्सएप कर पाता हूँ कि वो हर तरह के होते हैं। कई हमारे सिंगल स्टेट होते हैं, कई हमारे सिर्फ डीम्ड वाले होते हैं, MCC का डीम्ड जिसे हम कहते हैं, तो उनसे ये है कि 2-4 बार बात करके काम स्ट्रेटजी बन जाती है फाइनल, और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा शीट्स है वो बहुत रोल प्ले करती है। और आई होप कि जो इस समय 2024 के काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तक समझ चुके हैं कि जब एलोकेशन होगी, जो इस समय आप लोग स्पेशली MCC की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ऊपर से नीचे तक आपकी सारी चॉइस स्कैन करेगा। तो कभी भी ये सोच के मत भरिए ऊपर कि क्या मिलेगा, यही है जो एजेंट लोग आपको बहकाते हैं, बताते हैं कि हमारे पास वो स्किल है। ऊपर से नीचे तक क्वालिटी वाइज सारे भरिए जो आपको चाहिए, और उसी के मद्देनज़र हम एक लिस्ट बनाते हैं ऑल इंडिया कोटा की। जैसे मैं साल की बात करूं तो टोटल डिफरेंट 396 इंस्टीट्यूट्स हैं, 396। अब देखिए सच बताऊं, 2-3 साल पहले जब वो खाली 122 थे तो हमने एक्चुअली बनाए एक डेट, मतलब हमने बनाए थे टॉप 100 की लिस्ट। तो ये एक्सेल शीट है जो हमने बना रखी है जिसमें एग्जैक्ट पूरे 396 कॉलेज हैं। फ़र्क ये है कि हमने एक्स्ट्रा मेहनत ये की है कि कोशिश करके उस एक्सेल शीट में हर कॉलेज का स्टेट तो लिखा ही है सामने, और साथ में सिटी भी लिखी है। अब देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, एक ठीक ठाक कॉलेज हो सकता है महाराष्ट्र में रेवा शहर में, लेकिन रेवा शहर में ना क्रिएटिविटी की डिफ़िकल्टी है, स्मॉल सिटी। अब रेवा ठीक ठाक मैं कहूँ अच्छा कॉलेज है, बट रेवा से लेट से अगला ही कॉलेज जो है जो कि उससे 2 लेवल नीचे है, लेकिन वो उसकी लोकेशन अच्छी है, वो समझ लीजिए इंदौर में है या भोपाल में है या अमृतसर में है। तो अब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, एम्स दिल्ली और मौलाना आज़ाद, और पहले हम जो 20 कहते हैं ना, जो वाव फैक्टर होता है कि चलो उनको एक बार आपने हटा दिया, एम्स, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, जिपमर, AMU, KGMC लखनऊ, राइट, GMC चंडीगढ़, SMS जयपुर, ये सब आपने लिस्ट पूरी कर ली 30-40-50 कॉलेज की, एम्स ले लिया आपने अच्छे वाले 7-8, तो उसके बाद तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चल सकती है ना, अगर हम स्टेट को देखें, लोकेशन को देखें, आप किस एरिया में रहते हैं हम उसको देखें। अब ऑनेस्टली जो हमारी एक्सेल शीट है फिलहाल जो हमने 1 से 396 लिखे हुए हैं, इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम अ दिल्ली हरियाणा स्टूडेंट परस्पेक्टिव, क्योंकि कई शानदार तमिलनाडु के कॉलेज हैं जो नीचे आते हैं इस लिस्ट में, क्योंकि मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड फूड। सिमिलरली UP के कुछ नए कॉलेज जो इस साल भी 7 या 8 नए कॉलेज आए, उनको हमने नीचे रखा है, बिकॉज नॉट सबसे नीचे बट बीच में कहीं नीचे, क्योंकि वहाँ पर तो जो मैं बाबा कहता हूँ अभी दीवारें भी खड़ी नहीं हुई हैं। और सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस अक्सर हम नीचे रखते हैं कि दिल्ली की तरफ से असम या मणिपुर या अंडमान निकोबार जाना आना डिफ़िकल्ट है, और थोड़ा सा वही कल्चर फूड को लेके भी इशू रहता है, करेक्ट। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं लिस्ट बनाते हैं 1 से 2 लास्ट तक बनाते एक्सेल शीट में है, ताकि जब आप अपने घर पे खोलें, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी ये गवर्नमेंट कॉलेज का कैंडिडेट है जनरली वो स्मार्ट बच्चा होगा, 600 प्लस नंबर वाला होगा, या आप किसी साइबर कैफ़े के साथ भी ढंग से 2 घंटे बैठ के उससे समय लेके कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने कहा ना पहले 50 कॉलेज तो आप आँख बंद करके भर सकते हैं, फिर आप ये चॉइस कर सकते हैं, जैसे राजस्थानी बच्चा तो सोचेगा कि भाई राजस्थान के नए कॉलेज में पहले ले लूँ बजाय कि UP के लेने के या बजाय कि MP के लेने के, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन। क्योंकि कल को आपको PGP करनी है तो आपको लगता है कि भाई मैं राजस्थान में ही रह जाऊँ, अपना होम स्टेट है राजस्थान का, PG कोटा का ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो सब डिसीजन है जो आप ले सकते हैं, राइट। या आपको पहले अपने सारे होम स्टेट के कॉलेज भरने हैं, ऑफ कोर्स पहले 25-30 के पास, वो सब डिसीजन आप ले सकते हैं। तो एक क्वालिटी लिस्ट है जो हम बनाते हैं जानबूझ के, अभी जब कल चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है तो हम आज ही इसको पब्लिक करते हैं, और वेरी फ्रेंकली वी चार्ज मनी फॉर दिस, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं उनको हम देते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट का पैकेज लेते हैं, लेकिन आप सबके लिए एक वेरी सिंपल वेरी बेसिक, जिसे बोलते ना राखी का दिन है, तो इस एक्सेल शीट के हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 5100 रुपये, जी 5100 ही लेते हैं, 5000 भी नहीं, तो 5100 रुपये लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारा नंबर जानते ही हैं,
9643362320 यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे हो सके तो व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि शायद शुरू के 2-3 घंटे सुबह ही नंबर अवेलेबल नहीं होगा। व्हाट्सएप कीजिए, बोलिए कि मेरे को ऑल इंडिया कोटा चॉइस फिलिंग की लिस्ट चाहिए, आपको पेटीएम नंबर भेजा जाएगा, आप पेटीएम या जीपे से पैसे भेजिए 5100 रुपये और बदले में ही आपको एक्स्ट्रा शीट भेज दी जाएगी। ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी विच इज़ नथिंग, और उसके बाद आप अपने थ्रू उसको भरेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो जैसा मैंने कहा, बहुत कम दाम पे आपके लिए अवेलेबल है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप 5100 रुपये में ये एक्स्ट्रा शीट हमसे ले सकते हैं, जिसको फिर आप खुद यूज़ करके भर सकते हैं, अगले 3 राउंड तक सेम एक्स्ट्रा शीट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी दिमाग मत लगाइए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हर बच्चे को नंबर एक पे एम्स दिल्ली ही भरना है, यही लॉजिक यही रूल आपके स्टेट चॉइस फिलिंग में होगा, यही रूल सेंट्रल में है, कभी भी दिमाग मत लगाइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो एम्स तो नहीं मिलना, पता चलता कि आपको अच्छा वाला नंबर 50 कॉलेज मिल सकता था बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लेकिन आपने ज़्यादा दिमाग लगा दिया कि ये तो मिलना ही नहीं है तो भरूँ नहीं, आपने भरा ही 55 नंबर से शुरू होके वो मिल गया, और बाद में पता चला 50 भी मिल सकता था। नंबर मेरिट से मिलता है, सीट मेरिट से मिलती है। आई होप ये आप चीज़ें समझ चुके हैं। जो नेगोशिएशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला कि महंगी NRI और मैनेजमेंट सीट में होती हैं, सरकारी में इसका कोई मतलब ही नहीं है, सरकारी में फीस इज नेवर कंसिडरेशन। स्ट्रेम ऑफ अप राउंड भी इस बार ऑनलाइन ही है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि वो शायद स्पेशल स्टे करवाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, और तब शायद कुछ कंसल्टेंट्स का रोल प्ले आएगा, क्योंकि हमारे पास जानकारी होती है कि कौन सी सीट कहाँ पर खाली जा रही है। यही रूल 2021 में बिल्कुल डिफरेंट था, जहाँ 4th राउंड हर कॉलेज में होता था तो कंसल्टेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। जैसे जैसे ये राउंड ऑनलाइन हो गया, रोल ख़त्म हो गया, उससे पहले PWD सबसे ज़्यादा सरकारी में फिजिकल हैंडीकैप की सीट्स बचती थी राउंड 4 के लिए, और DOD में बचती थी NRI वाली सीटें, अब वो भी राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया है। तो किसी के बहकावे में ना आए, रफली स्पीकिंग जैसे अगर आप एक दिल्ली हरियाणा साइड के जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो 630 के नीचे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैं 630 रफली बोल रहा हूँ, मैं तो 640 ही मान लो, तो 630 के नीचे समझ लीजिए इम्पॉसिबल है। तो अगर आप दिल्ली हरियाणा राजस्थान बिहार के जनरल डोमिसाइल हैं और 630 से आप एक कम नंबर हैं इस साल, तो सरकारी कॉलेज किसी भी कोने में मिल ही नहीं सकता जब तक कि वो स्पेशलिस्ट ट्रे में लग ना लग जाए या स्ट्रेटजी ना लग जाए, वो तो सीटें बचनी भी चाहिए ना, और ये भी नहीं कि पक्का मिल जाएगी। अब आप उसके भरोसे अपना सारी काउंसलिंग निकाल दें, और उसके बदले अगर आप चाहें तो केरल या कर्नाटक या छत्तीसगढ़ के लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेज ले सकते थे। तो ये सब डिसीजन है जो आप अभी ले लीजिए। मुझे बस गुस्सा इसलिए आता हूँ उन एजेंटों को कि भाई आपने 635 वाले को वादा कर दिया सरकारी सीट दिलाने का, उस चक्कर में उसने अब कर्नाटक तो खैर फॉर्म नहीं भर सकते, या शायद अभी भी लास्ट डेट है, अच्छा भला केरल या छत्तीसगढ़ में 55 लाख में 60 लाख में भी उसकी MBBS हो सकती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो कर सकते थे, पर आपने लालच दे दिया और उस लालच के चक्कर में 20-25 लाख रुपये भी ले लिए, तो फ़ायदा क्या हुआ। और यही मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, देखिए सरकारी कॉलेज MBBS तभी अच्छा है जब सस्ते में मिल रहा है, और किसी को आप 40-50 लाख रुपये दे के ले रहे हो तो फिर तो अगर आपके नंबर इतने अच्छे हैं तो आपको वैसे ही छत्तीसगढ़ केरल मिल ही रहे ना, तो सारे सरकारी कॉलेज तभी वो लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नीचे के UP के ऐसे में आधे सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जो जाने के लायक ही नहीं है, तो हम इसलिए जा रहे हैं कि भैया 50,000 रुपये साल में इतनी बड़ी डिग्री हमको मिलने वाली है। ओके, हैव अ नाइस डे, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320, एंड अगेन रिपीट 5100 रुपये आज का प्राइस। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, आपको नंबर मिल जाएगा, पैसे भेजिए, हमसे एक्स्ट्रा शीट लीजिए, थ्रू व्हाट्सएप पे ही भेज दी जाइए आपको, या ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ईमेल कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अगेन हैव अ नाइस रक्षाबंधन। आज सावन का भी आखिरी दिन है, सोमवार भी है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, सबका भला हो, भगवान करे, और सबको अपने मन की सीट मिले इस साल, जो वो सीट डिज़र्व करता है उसको वो ऑप्टिमल सीट मिले, यही मैं हमेशा दुआ करता हूँ, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ अपने भगवान से भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। बाय बाय, टेक केयर।